नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने वाले हैं इस छोटी बच्ची को, जो आप देख सकते हैं अभी भी इसका जो कानने का तरीका है और यह रो रही है कि किस प्रकार से, और इसको भी इंजेक्शन लगेगा तो यह अभी और रोने वाली है। और तुम मोबाइल ठीक से रखो, तो यह रोने वाली है। उस दिन हम इसको इंजेक्शन दिए थे तो यह बहुत खुश थी, लेकिन आज यह जो है फीवर के कारण इसका जो बॉडी है वह कहीं ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो आइए हम इसको इंजेक्शन देने के पहले इसको हम खोल लेंगे। तो इसको हम खोलने के बाद इंजेक्शन को लोड करेंगे। मैं इंजेक्शन को खोल लिया हूँ। मेरा जो इंजेक्शन का नाम है वह टैक्सिम है, और टैक्सिम इसको देने वाले हैं। टैक्सिम का जो MRP है 19.35 रुपया है, तो इसको हम इस पेशेंट को देने वाले हैं। तो चलिए हम इस इंजेक्शन को क्या करते हैं कि लोड कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इंजेक्शन जो है वह रेडी हो चुका है। मेरा जो इंजेक्शन है वह रेडी हो चुका है। इसको हम 2.5 ml में डाइल्यूट करेंगे और इसको हम 2 ml देंगे, क्योंकि यह जो है छोटी बच्ची है। हो सकता था इसको हम 2.5 ml भी दे सकते थे, लेकिन इसको 2 ml देंगे। इसको हम 2 ml में डाइल्यूट करेंगे। यहाँ मेरा 2.5 ml, सॉरी, देख रहे हैं कि बच्चा अभी खेल रहा है। तो इसको हम मिला रहे हैं। मैं इंजेक्शन को मिला रहा हूं और मेरा इंजेक्शन भी है जो काफी ठीक ढंग से मिल चुका है। तो इसको हम लोड करके और इसको देने वाले हैं। तो मेरा इंजेक्शन देख सकते हैं कि मिल चुका है और बच्ची खेल रही है, और बच्ची की माँ इधर बैठी हुई है। चुल्लू कैसे देखता है। तो चलिए अब हम इंजेक्शन को लोड कर ले रहे हैं। तो मेरा जो इंजेक्शन है उसको लोड कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एयर उसमें मौजूद था, जिसके कारण से यह जो है अपने आप लोड हो रहा है। तो इसको हम 2 ml लोड कर लेंगे। अब लोड करने के बाद इसको अगर इसमें एयर भरा हो या बबल्स हो तो उसको हम पास कर लेंगे। यहाँ पे मेरा जो है एयर भरा हुआ है, तो इसको हम पास कर लेंगे। इसको हम पास कर लिए हैं। अब इसको हम 90 डिग्री के एंगल पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने वाले हैं। तो अब लगाने से पहले, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। तो चलिए वीडियो को, अब बहुत ही रोमांच आने वाला है इसमें, और ये बच्ची जो है अब रोने वाली है। तो आइए इसको लगाने वाले हैं इंजेक्शन। चलो अंशिका आ जाओ। यहाँ देख रही है, अभी जो है नाटक कर रही है। चलो तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से पहले यह ध्यान में रख लेना चाहिए कि सबसे पहले इसको तो 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। उसके बाद दे लिखा गौ ले रही अब इसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने वाले हैं। थोड़ा सा जल्दी लगाओ। देख सकते हैं कि बच्चा जो है
सामने आ जाओ। बच्चा के लाल जो है इसको हम इंजेक्शन लगाएंगे। तो मेरा जो इंजेक्शन है वह लग चुका है। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।